हेलो एवरीवन, मैं सौरभ कुमार फ्रॉम विद्यामंदिर क्लासेस। आज एक बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। ये टॉपिक ना तो जेई मेंस, जेई एडवांस, ना फिजिक्स, ना केमिस्ट्री, ना मैथ, ना एनटीएसई, ना केवीपीवाई, ना ओलंपियाड, कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है। और ये बहुत डिफरेंट टॉपिक है। अगर आप लोग पिछले कुछ समय से मीडिया के रिपोर्ट्स को पढ़ रहे होंगे, अखबारों को पढ़ रहे होंगे, चीज़ों को पढ़ रहे, सोशल मीडिया पे अगर आप देख रहे होंगे, तो आपको एक बड़ा इम्पॉर्टेंट सा क्वेश्चन जो रेज होता हुआ दिख रहा है कि इज़ इंजीनियरिंग नो मोर ए चॉइस फॉर द स्टूडेंट, या इज़ नो मोर ए पॉपुलर चॉइस फॉर अ स्टूडेंट, या नो मोर ए फर्स्ट चॉइस फॉर अ स्टूडेंट। तो आज हमारा जो सारा डिस्कशन है वो इसके ऊपर है। क्या ये कितना इसमें सच है, कैसे मीडिया इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कितना इसके अंदर क्या एक्चुअल डेटा है, और क्या रीजंस हैं इसके बिहाइंड जो ऐसा हो रहा है, जो मीडिया कह रही है। मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा हो रहा है, मैं कह रहा हूँ कि जो मीडिया कह रही है, जो सोशल मीडिया इंटरप्रिटेट कर रही है, जो प्रिंट मीडिया इंटरप्रिटेट कर रही है, वो उसका एक्चुअल मतलब क्या है, और उसके कंक्लूजन को हम ड्रॉ करने की जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है उसको आप लोगों के सामने रखूंगा, और देखते हैं कि आप लोग कितने हमसे, हमारे साथ सहमत होते हैं। तो आज के जो हमारे मेन पॉइंटर्स हैं, वो पहली बात है कि क्या ट्रेंड है जेई एस्पिरेंट्स का लास्ट के कई सालों में। उसके बाद क्या वेकेंट सीटें हैं ब्रांच वाइज, और कितनी वेकेंट सीटें हैं इंस्टीट्यूशन वाइज, और क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से ये सीट्स जो हैं वेकेंट दिखाई दे रही हैं। जो अजीब अजीब सी न्यूज़ें आप अखबार में और सोशल मीडिया में, या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में रादर कहना चाहिए, सोशल मीडिया से बेटर है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आप देख रहे हैं, और क्या रीजंस हैं, और फाइनली क्या कंक्लूजन हम इससे ड्रॉ कर सकते हैं। तो एक एक करके बात करते हैं। देखिए, बहुत सिंपल सी अगर हम लोग बात करें कि अगर हम लोग लास्ट के 10 15 20 सालों को एनालाइज करें, जो पेरेंट्स अगर इस वीडियो को जो भी देख रहे हैं, अगर बच्चे देख रहे हैं तो अपने वो पेरेंट्स से डिस्कस करें, अपने एल्डर्स से डिस्कस करें, लास्ट के 15 20 सालों में क्या हुआ है कि बहुत सारे प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस जो हैं मशरूम कर गए इन एंड अराउंड द सिटीज़। प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस बहुत सारे मशरूम कर गए इन एंड अराउंड द सिटीज़। जैसे अगर आप दिल्ली एनसीआर में देखें तो नोएडा एक्सप्रेसवे, गाज़ियाबाद, ग्रेटर नोएडा, सोनीपत, गुड़गांव के आउटर में, और आप कोई भी अगर ऐसी जगह देखें, मतलब कोई भी शहर आप ले लीजिए फॉर दैट एग्जांपल, आपको देखेंगे कि खूब सारे वहाँ पे प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस पॉपअप हो गए, और उनके पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था जो एक इंजीनियरिंग कॉलेज के पास होना चाहिए, ना ही उनके पास वो फैकल्टीज़ थी, वो टीचर थे, वो प्रोफेसर्स थे जो एक अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज के पास होने चाहिए, ना उनके पास वो करिकुलम था, वो माइंडसेट था जो एक अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज के पास होना चाहिए। उसकी वजह से क्या हुआ कि जो वो एक बिजनेस मॉडल बन गया, वो एक एजुकेशन मॉडल नहीं था, वो एक बिजनेस मॉडल बन गया, और उस बिजनेस मॉडल की वजह से क्या हुआ कि लोगों के इमोशंस को, मैं कहूँगा कि पेरेंट्स की भावनाओं को उन लोगों ने खरीदा, और पेरेंट्स ने पैसे लगा लगा के ऐसी जगहों पे अपने बच्चों को पढ़ाया, और उन जगहों पे पढ़ाने से क्या हुआ कि वो जब उनके बच्चे के अंदर वो कॉम्पिटेंसी नहीं आया, स्टूडेंट के अंदर वो कॉम्पिटेंसी नहीं आया जो एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट के अंदर होना चाहिए, जो स्किल सेट एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट के अंदर होना चाहिए, जो सब्जेक्ट की नॉलेज एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट के अंदर होनी चाहिए, जो एनालिटिकल स्किल्स एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट के अंदर होनी चाहिए, उसने उस तरीके की लैब्स ही नहीं देखी, उसने उस तरीके की पढ़ाई ही नहीं की, और वो बच्चा जो है इंजीनियर बन के बाहर निकल गया, तो आप सोचिए कि उसको जॉब का या करियर बनाने में काफ़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। और ये जो डेटा अकोमोलेट हुआ लास्ट के 10 सालों में, इसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स आई। अब आपने एक और न्यूज़ आजकल फ्लोट होती हुई पड़ी होगी कि कुछ इंजीनियरिंग कॉलेजेस बंद किए जा रहे हैं। कौन से बंद किए जा रहे हैं? देखिए, ये वो इंजीनियरिंग कॉलेज बंद किए जा रहे हैं जो दो कमरे के अंदर, तीन कमरे के अंदर, शहर के बाहर एक पुरानी पड़ी हुई बिल्डिंग में, अपनी पुरानी कोठी में किसी ने उस इंजीनियरिंग कॉलेज को खोल दिया, और उसके पास ना तो टीचर है, ना इंफ्रा है, ना कुछ है। इसमें जिसकी भी गलती है, मैं क्या इसमें, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा डिबेटेबल टॉपिक है ये कि AICTE को ऐसा अप्रूवल नहीं देना चाहिए था ऐसे कॉलेजेस को खोलने के लिए। हालांकि चलिए, वो कॉलेज खोले गए और उसमें से कुछ बच्चों ने पढ़ाई की और उन बच्चों का भविष्य खराब हुआ या बहुत स्ट्रगल करना पड़ा उनको, तो इस वजह से क्या हुआ कि थोड़ा सा कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि लोगों के मन से ये बात हुई कि शायद इंजीनियरिंग में मज़ा नहीं आ रहा है। बट
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि आप सारे उन लोगों को एनालाइज करके देखिए जिन्होंने अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेजेस से पढ़ाई करी, जो आईआईटी से पास आउट हुए, जो ट्रिपल आईटी से पास आउट हुए, जो एनआईटी से पास आउट हुए, या जो बहुत अच्छे प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस से पास आउट हुए, जैसे बिट्स प्लानी, बिट्स मेसरा, बिट्स गोवा, और फॉर दैट मैटर भारतीय विद्यापीठ या मणिपाल या थापर, अगर आप ऐसे कॉलेजेस को अगर आप देखिए तो आपको दिखेगा कि the people who have passed out from here are well placed. वो सारे लोग क्या हैं, बहुत अच्छी तरीके से आज अपने काम को कर पा रहे हैं. तो रीज़न ये था कि ऐसा नहीं है कि इंजीनियरिंग चॉइस ख़राब थी, इंजीनियरिंग चॉइस बहुत अच्छी है और आज भी इंजीनियरिंग चॉइस बहुत अच्छी है. आप इस समय पूरे विश्व में, पूरे ग्लोब में, पूरे वर्ल्ड में अगर आप किसी भी कंपनी के टॉप एग्जीक्यूटिव को देख लीजिए तो उसके पास इंजीनियरिंग की डिग्री है. अगर आप किसी भी कंपनी के टॉप एग्जीक्यूटिव को देख लीजिए उसके पास इंजीनियरिंग की डिग्री है. 10 में से 9 टॉप एग्जीक्यूटिव जो होंगे, जो सीईओ सीओओ टाइप के लोग हैं, उनके पास, इवन बैंक्स में आप टॉप पोजिशन देख लीजिए, सारे वो लोग हैं जो इंजीनियरिंग की डिग्री लेके जो हैं आगे बढ़े हैं. तो इंजीनियरिंग इज ए बेस्ट चॉइस और हम इस पर डिस्कशन अभी और करेंगे विदिंदा, जैसे जैसे हम इस बात को आगे बढ़ा रहे हैं. मैं आपके सामने ट्रेंड दिखा रहा हूं कि किस तरीके से ट्रेंड पिछले सालों में चेंज हुआ है नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स का. तो आप देख सकते हैं कि पिछले सालों में किस तरीके से ट्रेंड चेंज हुआ है और इस साल वो अपवर्ड ट्रेंड है. इस साल फिर से अपवर्ड ट्रेंड आपको दिखाई दे रहा है कि नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स बढ़े हैं. क्योंकि नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स इसलिए बढ़ेंगे क्योंकि अगर आप देखिए कि जो न्यू एज इंजीनियरिंग है, जिसमें खास तौर से कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, इस तरीके की अगर हम लोग बात करते हैं तो बहुत सारी जॉब्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इन सारे टॉपिक्स पर इतनी जॉब्स क्रिएशन होने वाला है कि कोई सोच ही नहीं सकता कि उसको फुलफिलमेंट कैसे किया जाएगा. तो अगर हम लोग, बिल्कुल बात यहाँ पर सही है कि कुछ डिप आपको दिखा पिछले सालों में इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स में, कुछ डिप अभी भी दिख रहा है कि कुछ कॉलेजेस की सीट वेकेंट है, हम उस पर अभी बात कर रहे हैं, एक एक करके हम आपको सारे डेटा दिखाएंगे. जो इंटरप्रिटेशन हमारा है, ठीक है, मीडिया का काम सिर्फ आंकड़े देने का होता है, मीडिया का काम एनालिसिस करने का नहीं होता है. मीडिया का काम होता है कि किसी भी छोटी सी बात को ब्रेकिंग न्यूज़ बना दिया जाए, छोटी सी बात को ब्रेकिंग न्यूज़ बना दिया जाए, और ब्रेकिंग न्यूज़ बनाने से और उनको कुछ फ़ायदा हो जाए टीआरपी का तो वो उसमें ज़्यादा खुश हैं. सच्चाई कितनी सामने आ रही है इस बात से उनको मतलब नहीं होता है. तो ये ट्रेंड है. अगर आप देखिए, ट्रेंड बहुत ज़्यादा डिप नहीं है, ट्रेंड नॉर्मल है, और इस साल अपसर्ज है. जो एनटीए ने 2 अटेम्प्ट दिए उसकी वजह से अपसर्ज जो है वो क्लियर दिखाई दे रहा है डेटा के अंदर नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स का, राइट. तो कौन से बेसिकली, देखिए अगर आप सीट्स कौन सी खाली हैं, समझिए, हम अगर मैं अपने टाइम की बात करूं, मैंने आज से करीब 20-21 साल पहले इंजीनियरिंग पास की थी और 1994 में मैंने अपना जो था एंट्रेंस दिया था. उस जमाने से लेके या मेरे फादर के टाइम पे या मेरे बड़े भाइयों के जो हैं उनके टाइम पे अगर आप देखें तो बड़ी सारी जो थी कन्वेंशनल ब्रांचेज होती थी इंजीनियरिंग की, जैसे सिविल इंजीनियरिंग, जैसे टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, जैसे पेंट टेक्नोलॉजी, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग, ठीक है, तो इस इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, इस तरीके की जो जो ब्रांचेज हुआ करती थी, इन सारी ब्रांचेस का आज की डेट में काम जो है वो ख़त्म हो चुका है, ठीक है. हालांकि सिविल में बहुत काम है बट जो है सिविल एज ए ब्रांच जो है नहीं हो रही क्योंकि दूसरे ब्रांच के लोग भी उसको अच्छा काम कर ले रहे हैं वहां पे जाके. तो ये जो ब्रांचेस हैं, इन ब्रांचेस में सीट्स नहीं भर रही हैं, इन ब्रांचेस में सीट्स नहीं भर रही हैं, जिसकी वजह से वो सीट्स जो हैं वो वेकेंट दिखाई देती हैं. मैंने तो आपको कुछ 6-7 एग्जांपल बताए, ऐसे बहुत सारे और अगर आप लिस्ट उठा के देखेंगे जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस के अंदर ब्रांचेस अवेलेबल हैं, बहुत बड़ी लिस्ट है जिसके अंदर आप देखेंगे कि बड़ी सारी नॉन प्रोडक्टिव जो टाइप की ब्रांचेज हैं वो एग्जिस्ट करती हैं जिसके अंदर बच्चे एडमिशन नहीं ले रहे हैं, ठीक है. तो ये क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि उसकी कोई डिमांड ही नहीं है. डिमांड किसकी है, डिमांड है भाई आप देख लीजिए कंप्यूटर साइंस की सबसे ज़्यादा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग की, कोर इलेक्ट्रिकल, कोर इलेक्ट्रॉनिक्स, है ना, तो या कुछ हद तक आप कह सकते हैं मैकेनिकल केमिकल, राइट. तो इन सारे ब्रांचेज में इशू बहुत ज़्यादा नहीं आ रहा है. इशू जो आ रहा है वो आ रहा है उन ब्रांचेज में जहाँ पे जिसकी अब कोर में कोई जॉब रिक्वायरमेंट आज के डेट में एग्जिस्ट नहीं करती है. अब पहले मान लीजिए कि इंडस्ट्रीज के अंदर काम मैनुअली
होता था वही काम जो है रोबोट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू होता है, तो जॉब वहां से शिफ्ट होके वहां पे हो गई है, मतलब एक स्ट्रीम ऑफ इंजीनियरिंग दूसरी स्ट्रीम ऑफ इंजीनियरिंग में चली गई है। तो इसी तरीके से जो है ये सारी ब्रांचेस जो है खाली जाती हैं। सिमिलरली अब कॉलेज वाइज अगर हम बात करें तो कॉलेज वाइज भी वही प्रॉब्लम है कि भाई जिन कॉलेजेस के पास ऐसी ब्रांचेस ज्यादा थी वो जो सीट्स हैं वो उनकी वेकेंट जा रही है, चाहे वो कॉलेजेस बहुत अच्छे क्यों ना हो। अगर हम लोग मान लीजिए IIT NIT की बात भी करते हैं तो इसमें भी क्या हो रहा है कि लोगों का अट्रैक्शन जो है आज की तरफ ब्रांच की तरफ ज़्यादा है कि हमें कंप्यूटर साइंस अगर मिल जाए तो हम शायद IIT दिल्ली के बजाय बिट्स प्लानिंग ऑप्ट कर लें। अगर मान लीजिए किसी को IIT दिल्ली में सिविल मिल रही होगी और बिट्स प्लानिंग में कंप्यूटर साइंस मिल रही होगी तो वो IIT दिल्ली की सिविल छोड़ देता है और बिट्स प्लानिंग की कंप्यूटर साइंस ले लेता है। या मान लीजिए किसी को IIT दिल्ली में फॉर एग्जांपल इंडस्ट्रियल मिल रही है, ऐसी जस्ट एज एग्जांपल कह रहा हूं मैं, और किसी को जो है DTU में जो है कंप्यूटर साइंस मिल रही है तो वो DTU में कंप्यूटर साइंस चूज कर ले रहा है, वो आज के डेट में IIT दिल्ली में इंडस्ट्रियल या प्रोडक्शन नहीं ले रहा है। तो क्योंकि उसको पता है कि इसको मतलब पढ़ने से हमें जो ये इंजीनियरिंग है ये हमारे करियर में ट्रांसलेट नहीं होगी आगे चल के। तो ये रीज़न अगर आप देखिए इसको ध्यान से तो रीजंस मैक्सिमम जो है वो खाली सीट जाने के रीज़न तो काफ़ी हद तक ये हैं। ठीक है, तो मैं एक बार आपको आंकड़ा दिखा देता हूँ जो इस समय मीडिया में फ्लोट हो रहा है या जो जोजा में है कि इतनी सीट्स खाली हैं। अब ये किन कॉलेजेस में खाली हैं? ऑब्वियसली ये उन्हीं कॉलेजेस में खाली हैं जहाँ पे इसके प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हैं, जहाँ पे इसके प्लेसमेंट्स नहीं हैं, जहाँ पे इसके अंदर काम नहीं हो रहा है। ये सारे वो सीट्स खाली हैं जिनके अंदर जो है रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ चीज़ें एग्जिस्ट नहीं कर रही हैं। हमने कुछ आइडेंटिफाई करने की कोशिश की कि ये तो एक बात हो ही गई कि जो जो ब्रांचेज हैं ऑब्सलीट हो गई हैं, उसमें एडमिशन नहीं हो रहे, या कॉलेजेस जो हैं जिनके पास पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है वो कॉलेजेस एडमिशन नहीं ले पा रहे, इसके सिवाय और क्या रीज़न हो सकते हैं? तो कुछ रीज़न हमने जो दिखे वो देखा कि न्यू एज करियर बहुत सारे आ गए हैं, जैसे डिजिटल मार्केटिंग में आप सर्टिफिकेट ले लीजिए 6 महीने का, आप मीडिया के अंदर जर्नलिज्म के अंदर आप जो है काम कर सकते हैं, आप जो है लॉ के अंदर काम कर सकते हैं, राइट। तो इस तरीके के जो न्यू एज कैरियर आए इन्होंने जो है काफ़ी हद तक चीज़ों को स्लो डाउन किया। कुछ जो बाकी रीजंस मैंने आपके सामने पहले ही अपने इस वीडियो में इलस्ट्रेट किए कि ये जो मेजर रीजंस हैं ये हैं। अब अगर आप ध्यान से सोचिए कि आपने एक 6 महीने का कोई सर्टिफिकेट कोर्स किया, ठीक है, और आपको उसके थ्रू जॉब मिल गई 20 या 25 हज़ार रुपये की, तो क्या आप सोचते हैं कि आपकी ग्रोथ जो है उसमें आप ये जो न्यू एज जॉब्स जो हैं ये आपको मिल तो जा रही है बहुत आसानी से, बट इसका करियर पाथ क्या है? आने वाले 5 साल के बाद आदमी क्या कर रहा है? आने वाले 10 साल के बाद आदमी क्या करेगा? आने वाले 15 साल के बाद आदमी क्या करेगा? मान लीजिए आपने एक 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 बंदे को अपने यहाँ पर अपनी कंपनी में अपॉइंट किया एक नॉमिनल सैलरी पे, जो डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करके आया या किसी भी इस तरीके का कोर्स करके आया जो आपके लिए ज़रूरी है, और वो मान लीजिए आपकी फेसबुक पे पोस्ट को प्रमोट करता है, तो आप क्या उसको कभी 50 लाख रुपये दे सकते हैं उस बात के? बिल्कुल नहीं दे सकते, क्योंकि वो वैल्यू एडिशन नहीं कर सकता, उसके पास ना तो वो एप्टीट्यूड है ना वो उतना आगे तक सोच सकता है। सिमिलरली अगर आप एक किसी इंजीनियर का करियर पाथ देखिए तो इंजीनियर का करियर पाथ आपको कैसे दिखेगा कि कोई भी इंजीनियर ट्रेनी लेवल पे किसी कंपनी को ज्वाइन करता है, फिर वो मैनेजर या प्रोजेक्ट मैनेजर बनता है, फिर वो डायरेक्टर डिलीवरी बनता है या जनरल मैनेजर बनता है, और फाइनली वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो टॉप कंपनी की पोस्ट होती है वहाँ तक पहुँचता है। या सपोज करिए कि अगर हम दूसरी तरीके की कंपनीज की बात करें तो वो CTO CEO इस तरीके की चीज़ों तक पहुँच जाता है। उसके बाद अगर वो MBA कर लेता है तो ये पाथ उसका और भी बहुत फास्ट एक्सेलरेट कर जाता है। तो अगर आप देखिए कि अभी इंडियंस जो हैं, हमारे जितने इंडियंस हैं वही सारी टॉप कंपनीज में इस समय CEO हैं, चाहे वो गूगल हो, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट हो, चाहे वो पेप्सी हो, आप काफ़ी सारे एग्जांपल्स देख सकते हैं कि जहां से इंडियंस इंजीनियर्स जो हैं वो टॉप जो है कॉलेजेस के अंदर पहुंच रहे हैं, है ना, मतलब टॉप पोजीशंस के अंदर पहुंच रहे हैं। तो मेरा कहना ये है कि बिल्कुल मीडिया ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता है आंकड़ों के फॉर्म में कि जो है ये सीट्स वेकेंट रह गई, इस कॉलेज में लोग ऑप्ट नहीं कर रहे हैं, 200 स्टूडेंट्स ऑप्ट आउट ऑफ IIT, 300 सीट्स इन IIT रिमेन वेकेंट। वो तो एक हेडलाइन बन गई, एक ब्रेकिंग न्यूज़ बन गई, बट एक्चुअलिटी क्या है? एक्चुअलिटी ये है कि कौन सी सीट्स वेकेंट है, किस ब्रांच की सीट वेकेंट है और कौन से कॉलेज की सीट वेकेंट है,
वो कॉलेज की सीट वेकेंट है, क्या आईआईटी दिल्ली के अंदर कंप्यूटर साइंस वेकेंट है, क्या आईआईटी दिल्ली के अंदर इलेक्ट्रिकल वेकेंट है, क्या आईआईटी दिल्ली के अंदर मैकेनिकल वेकेंट है, क्या आईआईटी गुवाहाटी के अंदर कंप्यूटर साइंस वेकेंट है, नहीं है, ठीक है। क्या बिट्स प्लानी के अंदर ब्रांचेस वेकेंट हैं, जो कोर ब्रांचेस हैं, क्या फॉर एग्जांपल अगर हम और थोड़े से नीचे लेवल पे चले जाएं, क्या भारतीय विद्यापीठ में कंप्यूटर साइंस वेकेंट है, नहीं है, ठीक है, नहीं है। आप देखिए कि आप अगर टॉप 12 लाख बच्चे अगर जेई मेंस को दे रहे हैं, 12 लाख बच्चे अगर जेई मेंस को दे रहे हैं और अगर आप टॉप के 1.5 लाख में भी नहीं आ पा रहे हैं तो प्रॉब्लम है, तो सीरियस स्टूडेंट को प्रॉब्लम नहीं है, सीरियस स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीरियस स्टूडेंट कोई ब्रांच को नहीं छोड़ रहा है, सीरियस स्टूडेंट कोई कॉलेज को नहीं छोड़ रहा है, सीरियस स्टूडेंट कॉलेज में पढ़ रहा है, अपनी ब्रांच में पढ़ रहा है और जो उसको अचीव लाइफ में करना है उसको वो अचीव कर रहा है। और आज भी मैं आपको बता दूं, मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं यहां से बोल रहा हूं, इस स्टेज से बोल रहा हूं, इस फोरम से बोल रहा हूं, मैं पर्सनली इस बात को मानता हूं कि 4 साल का कोई ऐसा कोर्स मुझे बता दीजिए जिसको पढ़ के आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो सकती है, ऐसा कोई कोर्स नहीं है, ऐसा कोर्स सिर्फ और सिर्फ इंजीनियरिंग है। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं आपको कम से कम 10 साल इन्वेस्ट करने पढ़ते हैं एक अच्छा डॉक्टर बनने के लिए। आप लॉयर बनना चाहते हैं आपको पहले 5 से 7 साल पढ़ाई करनी पड़ेगी, उसके बाद 10 साल स्ट्रगल करना पड़ेगा, तब आपको कहीं जाके लोग जानेंगे कि आप कौन लॉयर हैं। आपको फैशन डिजाइनिंग में कितना स्ट्रगल करना पड़ेगा आप खुद जानते हैं, जर्नलिस्ट में आप एंट्री लेवल पर भर्ती होंगे, आप कब टीवी पे मेन बंदे बनेंगे आप कभी नहीं सोच सकते। तो अगर 4 साल में कोई 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 करियर ट्रांसफॉर्म हो सकता है तो इंजीनियरिंग ही एक ऐसा ऑप्शन है जो 4 साल के अंदर आपके करियर को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। तो मेरा कंक्लूजन ये है कि बिल्कुल नए न्यू एज कैरियर्स आ रहे हैं और बच्चे जो हैं उसको चूज़ कर रहे हैं और उसको ऑप्ट भी कर रहे हैं, ये भी बात बिल्कुल सही है कि चाहे मतलब बहुत सारे न्यू एज कैरियर्स हैं जिनको इस समय ऑप्ट किया जा रहा है। दूसरी बात ये भी है कि इसका फ्यूचर क्या होगा ये कोई नहीं जानता है। बच्चे तीसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चे बिल्कुल भी स्ट्रेस लेना नहीं चाहते हैं, जो सक्सेस के लिए जो एक एपेटाइट होती है वो बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है ना। पहले जितने बच्चे मेहनत करते थे आज उसके कंपैरिजन में वो मेहनत काफ़ी कम होती जा रही है। अगर आप देखेंगे ऑन एन एवरेज, मैं टीचर हूँ 20 साल से पढ़ा रहा हूँ, मैं देखता हूँ कि क्लास की जो सीरियसनेस है वो पहले अगर 60 में से 50 बच्चे सीरियस होते थे तो आज वो 60 में से 30 या 25 बच्चे सीरियस होते हैं, है ना। उनको लगता है ठीक है हो गया बहुत अच्छी बात है, और पेरेंट्स भी कंटिन्यूसली समझाते कि नहीं हो कोई बात नहीं हम कुछ और करा देंगे, है ना। तो एक ऑप्शन कहीं ना कहीं दिमाग में ये भी सारे सोसाइटी के अंदर डेवलप हो रहा है, हमारे टाइम में ऐसा ऑप्शन डेवलप नहीं हुआ करता था। दूसरी बात जो मैंने आपको बहुत स्पष्ट तरीके से बताई कि कौन सी ब्रांच सीट्स खाली हैं इसको जरूर एनालाइज करिए, सीट्स वो खाली हैं जो इंजीनियरिंग आज की डेट में एग्जिस्ट नहीं करती, जिसकी जॉब्स एग्जिस्ट नहीं करती, जिसकी रिक्वायरमेंट एग्जिस्ट नहीं करती, और कौन से कॉलेज बंद हो रहे हैं, कौन सी सीट्स बंद हो रही हैं, वो कॉलेज बंद हो रहे हैं, वो सीट्स बंद हो रही हैं जिसके अंदर ना तो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर था, ना फैकल्टी थी, ना फैसिलिटी थी। तो ऐसे जो चीज़ें जो बिजनेस के लिए सिर्फ बनाई गई लास्ट के कुछ सालों में, ये चीज़ जरूर ड्रॉप डाउन हो रही है, बट इससे सीरियस एस्पिरेंट का कोई लेना देना नहीं है। जो भी टॉप के 1.5 लाख बच्चे हैं, उनको अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन मिल रहा है और फाइनली प्लेसमेंट मिल रहा है, ये बात बिल्कुल सत्य है। आप इन एंड अराउंड इसकी एनालिसिस करके देख लीजिए, कि जो अगर आप कहते हैं कि इंजीनियरिंग के बाद जॉब नहीं लगी किसी की, अपना करियर नहीं स्टार्ट कर पाया, उसने कौन से कॉलेज से पढ़ाई की और कौन सी ब्रांच से पढ़ाई की, इसको ध्यान रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मैं अभी भी यही कहूँगा कि लास्ट के अभी जो टॉप के 1.5 लाख बच्चे करीब हैं उनके चांसेस बहुत ब्राइट होते हैं, और उसके अलावा जो है आप अगर पीछे हैं तो शायद आपके लिए थोड़ा सा स्ट्रगल होगा, बट इंजीनियरिंग इज ए पॉपुलर चॉइस, इंजीनियरिंग इज द बेस्ट चॉइस सिंस लास्ट 50 ईयर्स, एंड आई थिंक इट विल रिमेन द बेस्ट चॉइस फॉर एवर, क्योंकि ये एक ऐसी डिग्री है जो आपको ना सिर्फ पढ़ाती है, ना सिर्फ आपके एनालिटिकल स्किल्स को डेवलप करती है, आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी को रिवैम्प करती है। मैं आपको कई एग्जांपल ऐसे लेके दिखाना चाहता हूँ इस समय पर, कि जैसे सपोज कर लीजिए कि भाई नागेश कुकनूर जो बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, वो इंजीनियर हैं, है ना। अगर हम लोग बात करें एल्फ्रेड हिचकॉक जो बहुत बड़े नॉवलिस्ट हैं, वो क्या हैं, वो भी एक इंजीनियर हैं। चेतन भगत की अगर हम बात करें, वो भी क्या हैं, एक इंजीनियर हैं। हर्षा भोगले की बात करें, क्या हैं, इंजीनियर हैं। तो अगर आप लोग ऐसे देखेंगे, रघुराम राजन की अगर आप बात करें, आईआईटी दिल्ली से पढ़े हुए हैं, है ना, तो आप अगर ऐसे देखेंगे तो यही दिखेगा आपको कि
ऐसा नहीं है जैसा जो मीडिया आपको दिखाने की कोशिश कर रही है, वो सिर्फ एक हेडलाइन बेच रही है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। इंजीनियरिंग इज द बेस्ट चॉइस, इट विल रिमेन द बेस्ट चॉइस, एंड आप शांति से बैठ के ठंडे दिमाग से दो मिनट सोच के देखिए कि जो आप शॉर्टकट दो में तीन महीने का कोर्स करके अगर कोई जॉब ले रहे हैं, वो जॉब की सस्टेनेबिलिटी क्या है और उसका फ्यूचर करियर पाथ क्या है। तो इसी के साथ मैं कंक्लूड करता हूँ। सारा डेटा फैक्ट जो भी अवेलेबल है मीडिया में, मार्केट में, वो मैंने आपके साथ शेयर किया, और मैं चाहता हूँ कि सब लोग जागरूक हों और इस तरीके से सोचें, इंजीनियरिंग ही नेक्स्ट एज करियर भी है, क्योंकि आने वाला भविष्य जो है सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, कंप्यूटर्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मोबाइल्स, गैजेट्स, इसी सब का है। और ये सब जो है, जितना आप कंफर्ट लाइफ अब जी रहे हैं, जितनी अच्छी कारें आप चला रहे हैं, ये सब किसकी देन है? ये सब इंजीनियरिंग की देन है। तो इंजीनियरिंग जो है स्लो डाउन नहीं हो सकता, इंजीनियरिंग जो है एवरग्रीन करियर है और हमेशा एवरग्रीन रहेगा। इसी के साथ मैं अपने बात को यहाँ पे कंक्लूड करता हूँ, और मैं विद्या मंदिर से सौरभ कुमार आप सबका तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। आई थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। प्लीज़ लाइक, subscribe and share this video and subscribe to the Vidyamandir YouTube channel. Thank you so much for being with me.